नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। आपदा को अवसर में बदलने का कोई भी मौका लोग छोड़ना नहीं चाहते, फिर वो चाहे वो तरीका सही हो या गलत। जी हाँ, पिछले दिनों सूरत पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़े थे। वहां के एक फार्म हाउस में छापा मारा, भारी मात्रा में नकदी, 90 लाख नकदी लगभग, और उसके अलावा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी पकड़े। पुलिस ने जब इस मामले की खंगालने की कोशिश की तो उसके तार इंदौर के बाद जबलपुर से भी जुड़े हुए पाए गए। जबलपुर में सपन जैन नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबलपुर की भगवती फार्मा में छापा भी मारा गया है। कहा जा रहा है इस कंपनी ने लगभग 200 रेमडेसिविर नकली इंजेक्शन तमाम इस इलाके में, विंध्य में भी उसमें छिपाए थे। अब इसकी परत तर परत, जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्र हमको बता रहे हैं इसके तार रीवा से भी जुड़े हैं। जी हां, यह गंभीर और चौंकाने वाली खबर है। रीवा से भी इसके तार जुड़े हैं। रीवा के सुनील मिश्रा आज से 10 साल पहले रीवा के TRS कॉलेज में पढ़ा करते थे। उसके बाद वो 10 साल पहले इंदौर चले गए। वहां पर उन्होंने कई तरीके के काम किए, प्रॉपर्टी का काम किए, वहां इन्होंने कई लोगों की पैसे भी मारे। उसके बाद ये सूरत भाग गए। इंदौर से काफी पैसा लेके जब ये सूरत भागे, सूरत में ये लगातार कुछ ना कुछ कर रहे थे। इस दौरान आपदा को अवसर में बदलने का उन्होंने एक मौका ढूंढा। पूरे देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी डिमांड थी। कहा जा रहा है सूरत पुलिस ने जिस जगह पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं वह इन्हीं सुनील की बताई जा रही है। ये रीवा के रहने वाले हैं, अनंतपुर में कहीं पर मोहल्ले में रहा करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उस तरह निकल के आएगा सुनील मिश्रा का इसमें क्या रोल था। फिलहाल अभी जबलपुर से सपन जैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब धीरे धीरे माना जा रहा है आज नहीं तो कल रीवा का नाम इसमें भी खुलेगा, और जब खुलेगा तो ये चौंकाने वाली बात होगी जो मैं आपको पहले से बता रहा हूं। सुनील मिश्रा नाम का व्यक्ति इस पूरे मामले में शामिल बताया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर आज के तारीख की, शायद सबसे बड़ी खबर है। आपदा को अवसर में बदलने में रीवा का नाम जिस तरीके से आया है, इसको किसी भी तरीके से बेहतर नहीं कहा जा सकता। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।